अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। डाउनलोड कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, या फिर स्क्रीन पर दिए गए लिंक unacademy.com/user/प्रतीक्षा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरे कोर्सेज। तो डाउनलोड कीजिए अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि चयन बोर्ड ने संगीत विषय के दूसरी बार निरस्त किए पद, और ये एक सनसनीखेज खुलासा है, चयन बोर्ड की गलती है जो आप लोगों के सामने आज आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दूसरी बार पद निरस्त किए हैं। इसका मतलब कि एक बार पहले भी पद निकाले गए थे जिन्हें निरस्त किया गया था, और वही गलती दोबारा से दोहराई गई है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2016 के संगीत विषय के 3 पदों का विज्ञापन दूसरी बार निरस्त किया है। पिछले बोर्ड ने इस पदों का विज्ञापन 16 जून 2017 को ही निरस्त कर दिया था। खास बात यह है कि संगीत विषय के पद क्यों और किस आधार पर निरस्त किए, इसकी जानकारी भी कोई भी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ यही जानकारी उपलब्ध कराई गई कि जो पेपर है, जो पद हैं, वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो सिर्फ वेबसाइट पर पद निरस्त होने की सूचना अपलोड कर दी गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब पिछले बोर्ड ने संगीत विषय के पद निरस्त किए थे तो बाकी जो 7 विषय हैं, जो जीव विज्ञान को मिलाकर बाकी बचे 7 विषय हैं, उनके पद आखिर क्यों छोड़ दिए गए। चयन बोर्ड ने 12 जुलाई को ऐलान किया कि बोर्ड ने 2016 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के 8 विषयों के 321 पदों को निरस्त कर दिया है, और निरस्त हुए सभी विषयों का कारण भी बताया गया है। तो वे अब माध्यमिक कॉलेजों में पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, तो इस बार कारण बताया है, लेकिन इससे पहले जब निरस्त हुए थे तो कोई भी कारण नहीं बताया गया था। वहीं 5 विषय ऐसे हैं जिनका विज्ञापन पहली बार निकाला गया है, और वह भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इस निर्णय के बाद से हंगामा मचा है, साथ ही जीव विज्ञान व संगीत विषय को लेकर अभ्यर्थी भी नाराज हुए हैं। अब इस मामले में बड़ा राजफाश हुआ है कि पिछले बोर्ड ने ही 16 जून 2017 को ही वेबसाइट पर विज्ञप्ति निकाल के संगीत विषय में टीजीटी के 2 व पीजीटी का 1 पद का जो विज्ञापन था वो निरस्त कर दिया था, और इस संबंध में चयन बोर्ड ने किसी को ना तो सूचना दी और ना ही विज्ञप्ति में पद निरस्त करने का कारण ही लिखा। हालांकि पद निरस्त होने का कारण हाई स्कूल व इंटर में सिर्फ संगीत विषय नहीं है, बल्कि संगीत गायन या संगीत वादन ही पढ़ाया जाता है। तो जिनके पास संगीत है वो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो उनकी जो परेशानी है वो दूर कर लें कि अगर आपने संगीत गायन से किया है तो आप संगीत गायन से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास संगीत वादन है तो आप संगीत वादन से अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंशन ना लें कि आप किस और सब्जेक्ट में जाएंगे, तो संगीत विषय जो है वो पार्ट्स में बढ़ चुका है। अब चयन बोर्ड ने 7 विषयों के साथ संगीत विषय के टीजीटी पीजीटी के दोबारा पद निरस्त कर दिए हैं। सवाल यह है कि उस समय ये ही पद निरस्त क्यों हुए, अन्य 7 विषयों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। वहीं चयन बोर्ड ने भी 1 विषय के 2 बार पद निरस्त क्यों किए, जब पहले यह हो चुका था। तो मात्र सूचना दी जाती, इस संबंध में बोर्ड का कोई अफसर बोलने को तैयार नहीं है, और अगर उनको फोन किया जा रहा है तो अब सबके जो फोन है वो स्विच ऑफ है। तो अब आयोग चुप्पी लगाए बैठा है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। तो देखते हैं अब आयोग क्या फैसला लेता है और अपनी गलतियों को सुधारता है या बार बार गलती करता जाएगा, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत से कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप तक पहुँचती रहेगी, और इससे संबंधित सारी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।